377 के तहत जो है एक दिन में कितने सब्जेक्ट जो है वो लिए जा सकते हैं, 18, 19, 20 और 21। तो जो पुराने थे लोग, ये लिखवाया हुआ नहीं था किसी को भी, पढ़ाया हुआ नहीं था, लोगों ने सिर्फ गैस करके यार 18 और 19 की संख्या तो क्या ही रखेंगे, राउंड फिगर 20, या तो 20 रखो या 15 रखो। इसलिए जो पुराने भूमिया थे उन्होंने ये क्वेश्चन सही कर दिया सिर्फ अनुभव से। तो एग्जाम हॉल में आपका जो सिक्स सेंस है वो प्रॉपर काम करना चाहिए, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। नेगेटिव इन मार्किंग अपने आप में कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का कोई ज्यादा डर नहीं है, खतरा नहीं है, क्योंकि आपके चार ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी, और अब आंख बंद करके एक भी तुक्का लगाओगे कि आपने जो है सी लगा दिया जैसे, तो कितने परसेंट चांसेस है कि ये सही होगा? 25% चांस है कि ये सही होगा, और आपने एक दो तीन चार तुक्के लगाए, कितने लगाए? कुछ नहीं आ रहा है, आप चार तुक्के आपने लगा दिए। अगर चार में से एक तो सही होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी का न्यूटन का फिजिक्स में एक नियम है, जिनके साइंस रही हुई है उनको ये पता है कि सिक्के को अगर 100 बार उछालो तो लगभग 50 बार हेड आएगा और 50 बार टेल आएगा। चार पासा है जिसमें एक दो तीन चार है, उसको 100 बार फेंको तो लगभग 25 बार एक आएगा, लगभग 25 बार दो आएगा, तो इसलिए तो चार तुक्के लगाते हो तो एक तुक्का आपका सही होगा। एक तुक्का सही होता है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं सपोज, और 3 तुक्के गलत होते हैं तो 1/3 नंबर जो है, सॉरी 1 नंबर कटता है। तो कुल मिला के 4 तुक्कों में से 3 नंबर मिले और 3 नंबर ही कटे, मामला बराबर रह गया। तो कुल मिला के कुछ लोग कहते हैं मेरे नेगेटिव ज्यादा हो गए, ठीक है, नेगेटिव इसलिए एक सर मेरे गलत ज्यादा हो गए। तो सबसे पहला कारण तो ये, गलत इसलिए ज्यादा हो गए कि तूने तुक्के ज्यादा लगाए, तूने तुक्के ज्यादा लगाए इसका मतलब तूने पढ़ाई अच्छी पढ़ाई कर लो, तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब जब पढ़ाई नहीं की है तो ये तो उस स्थिति में है कि जब आप आंख बंद करके यूं ही तुक्के लगा रहे हो, लेकिन आप कई बार आपकी पेशेंट मेमोरी में कुछ चीजें होती है, आप श्योर नहीं होते हो कि ये सही है या नहीं है, लेकिन आपके अंतरात्मा की आवाज कहती है हाँ। एग्जाम देते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी प्रश्न को देखते ही और आपकी अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि यार इसका ये आंसर है लगा दो, कभी अफसोस नहीं रहेगा आपको। और अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वो कह रही है मतलब उसको कहीं से दिव्य शक्तियों से उसको पता चला है, एक बात। दूसरी बात, अब आपकी अंतरात्मा ने एक बार कहा और एक आपने सी लगा दिया टिक, थोड़ी देर बाद आपको टाइम देती है आरपीएससी, घूमते फिरते आप वापस इस क्वेश्चन के बारे में सोचोगे, अरे यार इसका बी नहीं, इसका सी नहीं, इसका तो बी हो सकता है, और फिर वापस इसको काटोगे और बी राइट करोगे, बी में अभी श्योर नहीं हो आप, फिर भी आपको लगता है ये नहीं ये सही होगा। बाद में डेढ़ होशियारी काम करती है, पहली आवाज अंतरात्मा की होती है, दूसरी आवाज डेढ़ होशियारी की होती है, और बाहर आके फिर आपको अफसोस करने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, अरे यार मैं ये पहले लगाया था फिर मैंने ये चेंज किया। तो कभी भी आपने जो टिक कर दिया है, जब तक आप 100% श्योर नहीं होते हो कि यार नहीं 100% ये बी है, तब तक आप अपने तुक्के को चेंज नहीं करना, क्योंकि पहली आवाज किसकी आवाज थी और वो हमेशा सही होती है। ये ध्यान रखोगे एग्जाम में, और नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। गब्बर का डायलॉग ज्यादा सही है, ये ड्यू वाला डायलॉग फर्जी है। इसलिए डरते डरते कोई भी आदमी काम करता है ना,
99% चांस है कि वो गलत ही होगा। और ये आत्मविश्वास की लड़ाई है। कॉन्फिडेंस से अगर तुक्का लगाओगे तो तुम्हारा तुक्का सही होगा। हाथ कांपते कांपते हाथ से यार करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, तो वो हमेशा ही गलत होगा। ये एग्जाम में भूल जाओगे तुम, वहां जाके मेरी बातें याद रखोगे नहीं, वरना जो यार करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, तो वो हमेशा ही गलत होगा। ये एग्जाम में भूल जाओगे तुम, वहां जाके मेरी बातें याद रखोगे नहीं, वरना जो मेरी बातें याद रखेगा उसे निश्चित रूप से 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन का फायदा जो है वो होगा। ये जो 2-3 बातें कही ना, नेगेटिव मार्किंग का होगा बिल्कुल दिमाग में मत रखो। आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि ये हो सकता है तो वो 90% चांस है कि वो हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें कभी भी एकदम से यूं क्लियर नहीं होती। अपने को लगता है कहीं पढ़ा है, कहीं अनुभव किया है, कोई चीज है अपने पेसिव मेमोरी में पड़ी है वो चीज, इसलिए वो हमें पुकार रही है कि मुझे करो, ये वाला आंसर मैं हूं। मैं खुद एग्जाम देता था तो जिसमें भी डाउट होता था, जो क्वेश्चन नंबर होता था उसमें मैं गोला कर देता था, पर एक बार टिक लगा के और भर देता था आंसर। लास्ट में जब देखता कि 100 में से करीब 70 सवालों पे गोले ही होते थे, डाउट ही होते थे, ठीक है, फिर मैं देखता, फिर मैंने ये फॉर्मूला मेरा था कि मैं चेंज तभी करूंगा जब मैं 100% श्योर होऊंगा, तो मैं ज्यादा चेंज करता नहीं था। और पता चलता कि जो 70 गोले थे उसमें से करीब 65 जो है वो सही ही थे, वो केवल डर ही था, अरे यार क्या पता ये होगा या नहीं होगा, वरना होता वो ही है आंसर, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये फॉर्मूला याद रखना, देखें तो ये वो जो पिछली दफा कई स्टूडेंट ने सही किया था, किसी ने नहीं पढ़ा था कि रूल 377 के तहत जो है कितने टॉपिक्स सब्जेक्ट लिए जाते हैं, और जो पुराने लोग थे सब ने 20-20 जो है वो टिक लगाया था और सबका आंसर जो है वो क्या हो गया था, सही हो गया था, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और हिम्मत मत हारना, हमेशा खुश रहना, क्या रहना है, जिंदगी एक बार मिली है और इसको हंसते हंसते और लाइटली मोड में जो है वो रहना है, और जो होगा वो देखा जाएगा, और टेंशन लेने से टेंशन कम नहीं होती है, टेंशन ज्यादा बढ़ती है, और मस्त रहने से, शांत धीर गंभीर रहने से दिमाग जो है वो ज्यादा काम करता है। जैसे टेंशन लोगे तो खुद का ही नुकसान करोगे और अपने को खुद का नुकसान नहीं करना। मुन्ना भाई की तरह टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, देखें, ओके।